अरे अब इसको क्या हो गया? मुस्कान मैम, जरा अपना फ़ोन दोगे? हाँ लो ना, क्या हुआ? वो एक छोटी सी कॉल करनी थी। हाँ कर लो, बिल्कुल। बस कर दी ना आपने यहीं पे गलती। क्या हुआ? अरे चलो, आप मुझे तो जानती हो ना, आपने मुझे फ़ोन दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन ज़रा सोचो, अभी आप कहीं बाज़ार गई होती और कोई अननोन लोग आपको मिल जाते, कोई बहाना बनाते कि मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया है, या मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, या कुछ और बहाना बनाकर बोलते कि उनसे उनको जो है आपसे मदद चाहिए, एक कॉल करनी है। तो मदद कर रहे हैं अगर हम, तो क्या दिक्कत है आज के टाइम में? क्योंकि वैसे भी कोई किसी की मदद नहीं करता है, एक मदद ही तो करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मदद ना करो, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल मदद तो करो, लेकिन थोड़ा सावधानी से। वो क्यों? जैसे अब आप मुझे जानती हो तो आपने मुझे फ़ोन दे दिया बात करने के लिए, बट जब आप बाहर जाती हो ना, तो आजकल क्या होता है कि फ़ोन मांग लेते हैं, कहते हैं कि फ़ोन करना है, और फ़ोन करने के बहाने जैसे ही वो जिस इंसान को फ़ोन करेंगे ना, उधर फ़ोन किया और इधर आपके फ़ोन से जितने भी आपके पैसे गूगल पे पेटीएम या जो भी है उससे सारे पैसे गायब हो जाएंगे और आप कंगाल हो जाओगी। कह तो तुम सही रही हो महक। दरअसल आज के टाइम में क्या होता है ना कि ठगी का एक नया तरीका, नया प्रचलन है, वो ये है कि आपसे कोई भी रास्ते में आकर बहन भैया मम्मी दीदी दादी कहकर आपसे फ़ोन मांगेगा, और फ़ोन मांगने के बाद क्या होगा कि वो आपके फ़ोन से कॉल जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कॉल फॉरवर्डिंग का ये सिस्टम है और इसमें एक कोड डाला जाएगा जिसके बाद आपका अकाउंट खल्लास, क्योंकि USSD कोड ये वो कोड है जो आपके फ़ोन में डालने के बाद कॉल जो फॉरवर्ड हो जाती है, और उसके बाद अगर कोई भी OTP आप गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे, अमेज़न, एनीथिंग एल्स जो भी आप चलाते हैं, उसका OTP कॉल फीचरिंग के ज़रिए वो पर्सन प्राप्त कर लेगा, और उसके बाद आपके अकाउंट से आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे। आजकल के समय में मदद करनी चाहिए, मदद आप भी करिए, लेकिन सावधान होकर।